नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आईबीएन भारत के इस खास बुलेटिन समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। आज समाचार दुनिया में होगी दुनिया भर की अहम खबरों की बात, लेकिन सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पे नजर। चीन को झटका, भारत में फैक्ट्रियां लगाएंगी 24 मोबाइल कंपनी। अरबों डॉलर का होगा निवेश, मिलेगा रोजगार। नेपाल संसद ने जारी किया नया लोगो, सांसद करने लगे विरोध। सांसदों ने कहा देश और सांसदों का अपमान। क्या सिर्फ नाम के पीएम है इमरान? सऊदी से बिगड़ी बात तो आईएसआई चीफ को साथ लेकर बाजवा पहुंच गए प्रिया। लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका, फंड एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज। कोई भी व्यक्ति या संस्था एनडीआरएफ में रकम दान कर सकता है। फेसबुक विवाद पर बीजेपी कांग्रेस में टकराव, शशि थरूर ने कही अधिकारियों को तलब करने की बात। निशिकांत दुबे बोले थरूर को नहीं है अधिकार। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, कांग्रेस बीजेपी और सपा पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस और बीजेपी की कार्यशैली में नहीं है कोई अंतर। इन तमाम अहम खबरों में कुछ खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले कवर स्टोरी पर करते हैं बात। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद का असर अब चीन के व्यापार पर पड़ने लगा है। चीन का अड़ियल रुख वहां व्यापार कर रहे कई मोबाइल कंपनियों को नहीं भा रहा। ऐसे में ये कंपनियां भारत की ओर रुख करने लगी हैं। एक रिपोर्ट देखिए। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद और उसे लेकर चीन के अड़ियल रवैये का खामियाजा उसे व्यापारिक दृष्टि से भुगतना पड़ रहा है। चीन से अपना कारोबार समेट रही कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत की ओर से किए गए प्रोत्साहन योजनाओं के ऐलान का असर अब दिख रहा है। दिग्गज मोबाइल निर्माता कंपनी सैमसंग और एप्पल जैसी करीब 2 दर्जन कंपनियां भारत में निवेश को लेकर रुचि दिखा रही हैं। इन कंपनियों की ओर से भारत में मोबाइल फोन फैक्ट्री लगाने के लिए करीब 1.5 अरब डॉलर का निवेश किए जाने की उम्मीद है। भारत के रुख कर सकती है ये कंपनियां सैमसंग, एप्पल, फॉक्सकॉन, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव, भारत चीन सीमा विवाद और कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बीच ये कंपनियां सक्रिय रूप से अपनी आपूर्ति व्यवस्था में विविधता के लिए नई जगहों की तलाश कर रही हैं। भारत भी उनमें से एक है। हालांकि चीन से बाहर निकालने वाली कंपनियों की पहली पसंद वियतनाम है। सरकार को उम्मीद है कि अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आने वाले 5 साल में 153 अरब डॉलर का सामान बनाया जा सकता है। इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार के करीब 10 लाख अवसरों का सृजन होगा। विश्लेषकों के अनुसार इससे 5 साल में 55 अरब डॉलर का निवेश आने की संभावना है। स्पेशल डेस्क आईबीएन भारत। कवर स्टोरी के बाद वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगी हमारी सहयोगी तुलिका। नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। भारत से सीमा विवाद के बाद नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया था। इसके बाद देश के संसद सचिवालय ने नया लोगो भी बनवाया। हालांकि इसे लेकर गर्व होने की जगह नेता और सांसद ज्यादा नाराज हो गए। दरअसल सांसदों ने आरोप लगाया है कि इसमें देश के नक्शे और झंडे को गलत तरीके से दिखाया गया है। इसके लिए कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। ऐसे लोगों के लिए दी जाए सजा। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक ये लोगो टेक बीन मुखिया ने डिजाइन किया है और ललितपुर में लघु उद्यमियों से इसे बनवाया गया है। सांसद सचिवालय ने ये भी कहा है कि ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसे हाथ से बनाया गया है। हालांकि सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी समेत देश के सांसदों ने इसका विरोध किया है। यहाँ तक कि सांसद विजय सुब्बा ने मांग की है कि ऐसा नक्शा बनाने वाले लोगों को संसद, नेपाल और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के लिए सजा दी जानी चाहिए। कम समय की वजह से हुई गलतियां। ललितपुर के उद्योग के अध्यक्ष गणेश राउत ने माना है कि नक्शे बहुत अच्छे नहीं बने। हालांकि उन्होंने सफाई दी है कि उन्हें ऑर्डर जल्दी डिलीवर करना पड़ा, जबकि इंक को सूखने में 48 घंटे लगते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 12 घंटे ही मिले। उन्होंने ये भी कहा कि जल्दी डिलीवरी के दबाव की वजह से उन्होंने कम अनुभव वाले लोगों से रंग चढ़वाया है। सोने चांदी के लोगों की कीमत लगभग 20 लाख होती है। सांसदों का कहना है कि लोगों पर लगा झंडा फहराता हुआ नहीं, झंडे पर चांद और सूरज मिल नहीं रहे,
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद सचिवालय ने इस लोगो पर करीब 20 लाख नेपाली रुपए खर्च किए हैं। हर लोगों में एक तोला सोना चांदी लगी है और सोने की परत चढ़ी है। ऐसे कुल 684 लोगो शुक्रवार को डिलीवर किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर फंड्स को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है। याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पीएम केयर फंड भी चैरिटी फंड ही है, लिहाजा रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कोई भी व्यक्ति या संस्था एनडीआरएफ में रकम दान कर सकता है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवंबर 2019 में बनाई गई एनडीआरएफ कोरोना संकट से निपटने के लिए पर्याप्त है। किसी नए एक्शन प्लान और न्यूनतम मानकों को अलग करने की आवश्यकता नहीं। आप बता दें कि कोविड-19 से लड़ने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम केयर फंड का गठन किया गया था। याचिकाकर्ता एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने दावा किया है कि डीएम एक्ट के तहत कानूनी आदेश का उल्लंघन करते हुए पीएम केयर फंड बनाया गया था। याचिका में कहा गया था कि डीएम एक्ट के मुताबिक आपदा प्रबंधन के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिया गया कोई भी अनुदान अनिवार्य रूप से एनडीआरएफ को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार ने 8 जुलाई को शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपने हलफनामों में इस तर्क को खारिज कर दिया था। सरकार ने कहा था कि पीएम केयर फंड राहत कार्य करने के लिए स्थापित एक कोष है और अतीत में इस तर्ज पर कई ऐसे कोष बनाए जा चुके हैं। फेसबुक विवाद पर बीजेपी और कांग्रेस में टकराव बढ़ गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थायी समिति के समक्ष फेसबुक अधिकारियों को तलब करने की बात कही है। थरूर इस समिति के अध्यक्ष हैं। भाजपा ने थरूर के बयान पर कहा है कि समिति अपने सदस्यों से विचार विमर्श करने के बाद ही कोई फैसला कर सकती है। देखिए एक खास रिपोर्ट। थरूर ने ट्वीट किया कि संसद की स्थायी समिति निश्चित रूप से इन रिपोर्टों के बारे में फेसबुक का जवाब जानना चाहती है। समिति यह जानना चाहती है कि भारत में हेट स्पीच को लेकर उनका क्या रुख है। थरूर ने कहा कि हमारी संसदीय समिति सामान्य मामलों में नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा और सामाजिक ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के तहत बयान पर विचार करेगी। यह विषय समिति के अधिकार क्षेत्र में है और पिछले दिनों फेसबुक को तलब किया गया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि स्थायी समिति के अध्यक्ष थरूर के पास अपने सदस्य के साथ एजेंडा की चर्चा बिना कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने थरूर का बचाव किया। उन्होंने कहा कि कब किस एजेंडे को रखना है और किसे तलब करना है, ये सांसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष का अधिकार है। समिति के एजेंडे पर पहले ही समिति बना ली गई थी और उसे स्पीकर की अनुमति के साथ वर्ष की शुरुआत में ही तय कर लिया गया था। थरूर ने फिर मोइत्रा की स्पीच का आभार जताते हुए कहा, आप एकदम सही हैं। बीजेपी सांसद ने समिति के आरोपों को घेरे में खड़ा किया है। यह मुद्दा मैं उठाऊंगा। अचरज है कि जनहित के असाधारण मुद्दे पर एक सांसद ये कह रहा है कि इसे नहीं उठाना जाना चाहिए। थरूर को जवाब देते हुए दुबे ने कहा कि वक्त बताएगा कि किसने समिति को अहमियत कम करने की कोशिश की। बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सत्तारूढ़ दल को फायदे के आरोप को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले फेसबुक ने 700 पेज बंद किए थे, ज्यादा राष्ट्रवादी झुकाव वाले थे। कांग्रेस ने कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ मिलकर फेसबुक के डाटा का दुरुपयोग किया था। इसकी कोई भी वजह फेसबुक ने नहीं बताई थी। मालवीय ने कहा, कांग्रेस ने दिल्ली दंगे के पहले CAA पर भी कहा था आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, क्या उसे भड़काऊ समझा जाए। स्पेशल डेस्क आईवीन भारत। देश दुनिया की खबरों के बाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यों से आज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश दुनिया की अहम खबरों के बाद करेंगे राज्यों की बात। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में क्या हो रहा है खास, जानते हैं समाचार दुनिया में सगुफ्ता के साथ। राज्यों से आज। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर एक साथ भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों पर निशाना साधा है। मंगलवार को सुबह एक ट्वीट में वर्तमान में यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहद दयनीय बताया है। देखिए एक रिपोर्ट। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में सभी वर्गों, धर्मों और खासकर दलितों के साथ आए दिन द्वेष, उत्पीड़न और बलात्कार, हत्या आदि की मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही। ये घटनाएं साबित करती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अति दयनीय है।
इन घटनाओं के प्रति सरकारी लीपापोती से हालात और बिगड़ रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं मायावती ने कहा कि इन जनघन्य घटनाओं से स्पष्ट तौर पर जनता को सपा और भाजपा सरकार की कार्यशैली में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के राज में तो यहाँ पीड़ितों की FIR तक भी दर्ज नहीं की जाती थी। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि उस दौरान मीडिया भी आज की तरह उतना सक्रिय नहीं था। बीजेपी विधायक महेश नेगी पर एक महिला ने अपने बच्चे का पिता होने का आरोप लगाया है। उधर विधायक की पत्नी ने ब्लैकमेलिंग की शिकायत की है। आरोपों को लेकर विपक्ष को भी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। जिस तरह से विधायक की पत्नी ने ब्लैकमेलिंग की शिकायत की है वो भी संदेह के घेरे में है और जो महिला के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी गंभीर है। एक रिपोर्ट देखिए। इस प्रकरण में विधायक ही नहीं जन सामान्य का भी कोई व्यक्ति इस तरह के कृत्य करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में जिस तरह से विधायक की पत्नी ने ब्लैकमेलिंग की शिकायत की है वो भी संदेह के घेरे में और जो महिला के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी गंभीर। इसलिए सरकार को उनके बच्चे और विधायक का DNA जांच कराकर निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि प्रीतम सिंह ने कहा महिला ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाए इसलिए विधायक को इस्तीफा देना चाहिए और BJP को भी विधायक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। वहीं BJP के प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि अभी दोनों पक्षों की ओर से तहरीर दी गई है जो जांच का विषय है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा जिसके बाद संगठन करेगा यदि विधायक दोषी पाए जाते हैं। आइए सुनते हैं। ये प्रश्न विधायक का नहीं है। दरअसल राजनीति में आज क्या हो गया कि हम राजनीति व्यक्ति जो सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है उसकी बात करें। मैं तो ये कहता हूँ कि समाज में इस तरीके का जो लोग कृत्य करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए चाहे उसमें विधायक भी क्यों सम्मिलित ना हो। अब सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनकी पत्नी ने तहरीर दी है उस तहरीर में उन्होंने कहा कि मुझसे 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई और उस फिरौती के परिप्रेक्ष्य में विधायक जी की पत्नी 2 बार जो है क्या नाम उस महिला से भी मिली। आखिर जब मिली थी उस समय क्यों FIR दर्ज नहीं की गई। आज जब महिला ने रहस्य उद्घाटन किया उसके बाद एक नहीं विधायक जी की पत्नी 2-2 FIR दर्ज करने का काम कर रही है तो निश्चित रूप से पूरा विषय संदेहास्पद है और सरकार को तत्काल प्रभाव से इसकी जांच के साथ साथ DNA टेस्ट कराना चाहिए। ये हम सरकार से मांग करते हैं कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी बखूबी जानता है। एक महिला द्वारा विधायक पर इस तरीके की शिकायत दर्ज की गई है और DNA की मांग की गई है तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और विधायक को भी स्वयं आगे आकर के जो है त्याग पत्र देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जाँच हो सके। देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर एक महिला द्वारा आरोप लगाए गए हैं और जो वीडियो वायरल हो रहा है मैं समझता हूँ सभी लोगों ने उसको देखा भी है और जो 5 पेज के लगभग एक उसको मैं पत्र कहूँगा या पुलिस को जो है शिकायती पत्र कहूँगा वो भी हमने देखा है। इन तमाम चीज़ों से जो है ये लगता है कि कहीं ना कहीं पर दाल में कुछ ना कुछ काला है और महिला ने बड़ी सीधी और स्पष्ट बात कही है और ये कहा है कि DNA टेस्ट करा लिया जाए और DNA टेस्ट अगर हो जाता है तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और अब पुलिस को जो है कि हम जांच कर रहे हैं जांच करते रहें लेकिन सबसे पहले न्यायालय से परमिशन लेकर के DNA टेस्ट कराना चाहिए ताकि जो वास्तविकता है वो सामने आ सके। कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर है। देखिए ये प्रश्न कांग्रेस का नहीं है ये प्रश्न एक महिला के ऊपर हो रहे अत्याचार का है जिसके परिप्रेक्ष्य में अलग अलग बातें सामने आ रही थी लेकिन जब महिला ने इस बात को कह दिया है कि DNA टेस्ट करा लिया जाए तो फिर DNA टेस्ट होना चाहिए उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी तो नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज बेटी खतरे में है लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग मौन है। इस तरीके
देखिए अभी दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, एफआईआर क्या है क्या नहीं हमने भी सोशल मीडिया में देखा है, आज मीडिया में भी देखा है, और इसमें अभी जांच है, जांच का विषय है। पुलिस अधीक्षक को उन्होंने भी शिकायत दी, उन्होंने भी शिकायत, दोनों तरफ से शिकायतें गई है, जांच होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या चीज है। देखिए जब जांच होगी उसके बाद संगठन तय करेगा कि क्या नहीं है क्या, अभी तो सरसरी कोई भी राजनीतिक प्रदृश्य है, पार्टियां हैं, क्या चीज है क्या नहीं है, आरोप प्रत्यारोप है, वो जब जांच होगी, जांच के बाद जो भी होगा उसके बाद पार्टी तय करेगी। धर्मनगरी हरिद्वार में आज नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ सतपाल ब्रह्मचारी एवं मेयर अनीता शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिका द्वारा कराए गए विकास कार्यों को टॉर्च लेकर ढूंढने निकले। मदन कौशिक द्वारा 2.5 साल पहले नगर निगम के नए भवन निर्माण के लिए किए गए शिलान्यास स्थल पर पहुंचकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मदन कौशिक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट देखिए। इस मौके पर सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि शहर के सारे ठेके, चाहे वो जियो लाइन का हो या भूमिगत बिजली लाइन का हो, सब मंत्री के भाई भतीजे कर रहे हैं, विकास पूरी तरह से ठप है और आरोप मेयर पर लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर मेयर अनीता शर्मा ने कहा कि मदन कौशिक ने 2.5 साल पहले नगर निगम भवन का शिलान्यास किया था जिसका कहीं कोई अता पता नहीं है। नगर निगम का पुराना भवन जर्जर अवस्था में है जिनमें काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। मदन कौशिक नगर निगम के कार्यों में सहयोग करने के बदले आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें भूमि में मंत्री जी ने नारियल फोड़ा था कि ये निगम बनेगा, आप देखिए निगम तो कहीं नहीं बना, ये जू का तू वैसे का वैसे ही है और ना यहाँ बिल्डिंग बनी ना कुछ बना। आप देखिए मदन कौशिक जी ने मतलब झूठ क्यों बोला जनता से कि ये यहाँ पे निगम बनेगा। आज निगम की ये स्थिति है कि वो जब भी काम करते हैं बारिश में सारी बैठने के कारण मदन कौशिक जी को देखना चाहिए क्योंकि वो हरिद्वार में ही रहते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता कि निगम की निगम पे पूरा उन्होंने अधिकार कर रखा है। जो भी काम करवाते हैं उन्हीं के अधिकारी उनके सुनते हैं, फिर आरोप लगाते हैं महिला उस पे मेयर पे कि मेयर ने घोटाला कर दिया है, मेयर को घोटाला करने वाली के घोटाला करने वाले आप लोग हो। जिस जब से यहाँ 20 साल होने वाले हैं मंत्री जी ने कुछ नहीं किया है। आप देखिए कोई भी सड़क चलने लायक नहीं है, हर घर गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं, पानी भर रहा है। 2.5 साल हो गए टॉर्च लेके, वो देखा है कि वो बिल्डिंग बनी तो कहाँ बनी, कभी अंडरग्राउंड तो नहीं बन रही है वो, जैसे बिजली की लाइन डल रही है। पहले कह रहे थे कि बन रही है, 2017 में इन्होंने नारियल फोड़ा था, आज ये देखियो कि आज तक ना ये बिल्डिंग नहीं बनी है। ऐसी हॉस्पिटल की, अब हॉस्पिटल का भी नंबर है, ऐसी प्रदर्शन करेंगे हम, वहाँ भी नहीं वो देखेंगे कि हॉस्पिटल गया तो कहाँ गया। आप देखिए हमने जनता के लिए हॉस्पिटल बनाने की वो दी अनुमति उनको और हॉस्पिटल अब तक नहीं बना है, वो आने की तैयारी में है, वहाँ भी मुझे लगे फ्लैट ही बन जाएंगे आने वाले समय पे। साल होने जा रहे हैं माननीय मंत्री जी को, 2 बार मंत्री, 4थी बार विधायक, शहर की अव्यवस्था आपके हाथ में है, दोष देते हैं मेयर महोदय को। नगर निगम का बेड़ा गर्क कर दिया, नगर निगम में काम करने मेयर को नहीं देते हैं, उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं, काम स्वयं करते हैं उनके लोग, चाहे वो जियो का काम हो, चाहे नमामि गंगे का काम हो, चाहे अमृत गंगा का जो काम हो, चाहे सीवर लाइन का काम हो, सारी ठेकेदारी मदन कौशिक के रिश्तेदारों के पास है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, इस हरिद्वार को बसने दो, मत उजाड़ो शहर को, आपसे 20 साल का हिसाब किताब लिया जाएगा। साल पहले जो हम आज ये बिल्डिंग देखने आए हैं, इसका शिलान्यास माननीय शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी, माननीय मेयर साहब मनोज गर्ग जी ने इसका शिलान्यास किया था और कहा था कि 6 महीने के अंदर आपको नगर निगम की नई बिल्डिंग मिलेगी। ये आपके सामने आप देख सकते हैं साथियों। रही बात, खंडर पड़ा है। अभी कोरोना जब चला, हम जमीन दे दे और हमारी मेयर साहब ने 1 मिनट लगाई, हमारे बोर्ड ने मेयर महोदया के अध्यक्षता में पूरी जगजीतपुर की जमीन उस हॉस्पिटल के लिए दे दी थी। निगम के पैसे काफी हो तो मंत्री, शहरी विकास मंत्री जितने मर्जी पास कर लो, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस की मेयर अनीता शर्मा बन गई, उस दिन के बाद से ताला लगाने का काम मदन कौशिक ने किया है। मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, मान्यवर समझ जाइए, मेयर के अधिकार बहुत होते हैं। 3 वर्ष पूर्व यहां पर जो कैबिनेट मंत्री, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी ने भूमि पूजन किया था, नगर निगम कार्यालय बनाने के हेतु
और उन्होंने कहा था कि ये ऐसा कार्यालय होगा, अद्भुत कार्यालय होगा जिसमें 60 के 60 पार्षद एक साथ बैठ सके और नगर निगम के संपूर्ण कार्य यहीं से संचालित होंगे। आज 3 वर्ष गुजर जाने के बाद भी आप देखिए यहाँ पर एक टीन का गेट लगा हुआ है और कार्य नगण्य है। इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। उसी कार्यालय को ढूंढने के लिए आज युवक कांग्रेस, युवा साथी और सतपाल ब्रह्मचारी, हमारी आदरणीय मेयर जी सभी उसी कार्यालय को टॉर्च के द्वारा ढूंढने के लिए निकले थे। और हम ये कहना चाहते हैं कि आप अगर पूर्ण में जो भी ऐसा वादा करें उसको पूर्ण जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़े नेता हैं और आपके स्तर पर इस तरीके की झूठी घोषणाएं आपको शोभा नहीं देती। और कांग्रेस आज विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस का मुख्य मुद्दा आज विपक्ष के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो निगम के कोई भी कार्य हो या शहर का विकास हो, कांग्रेस जरूर उठाएगी। और आदरणीय मदन के निगम का जो कार्यालय बनाना था इसको यथाशीघ्र कार्य इसका शुरू करें। जय हिंद। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन में नेताओं के दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों तरफ खलबली मची हुई है। एक तरफ जहां एनडीए में जेडीयू को झटका देते हुए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्याम रजक ने आरजेडी का दामन थाम लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। इसमें से 3 ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। बिहार के इसी बदलते राजनीतिक समीकरण पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव के बदले समीकरण, दल बदल के दौर में बिहार के नेताजी, जुगाड़ भिड़ाने में जुटे नेताजी, कुर्सी बचाने में लगे नेताजी, चुनाव में हमारे बीच आने वाले हैं नेताजी। तो बिहार में चुनाव है, ऐसे में नेताजी का बुरा भाव करना जायज है। किस पार्टी में घुसना है और किस पार्टी से भागना, इसका आकलन भी जरूरी है। हमारे बिहार के नेताजी ऐसा कर भी रहे हैं। निकलने, भागने और घुसने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। नीतीश सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक भी बड़े लीलाधारी हैं। उन्होंने तगड़ा गणित बैठाया, जेडीयू से कूद कर आरजेडी में घुस गए। बताया जा रहा है कि उनकी घर वापसी हुई है। वे पहले भी इस घर में रह चुके हैं और मंत्री भी बन चुके हैं, लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आती कि जब एक बार फिर कभी पाला बदलने का मन करे और फिर नेताजी जेडीयू में चले जाएं, तो उस समय इनकी वापसी का नाम क्या रखा जाएगा। खैर जो भी हो, जब होगा तो देखा जाएगा, लेकिन आज की जरूरत के हिसाब से फैसला लेना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं किया गया तो कुर्सी पिछवाड़े से हट जाएगी और विपक्ष के पीछे चिपक जाएगी। लोग उसके जयकारे करेंगे और हमारे नेताजी टुकुर टुकुर ताकते रह जाएंगे। खैर रजक के वापसी से तेजस्वी खुश हैं और नीतीश की हालत कुछ ऐसी हो गई। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। 4 आरजेडी विधायकों ने भी अपनी पार्टी छोड़ दी, जिसमें से 3 ने जेडीयू से हाथ मिला लिया, यानी कि उस घर में आ बैठे। और तो अब जल्द ही जीतन राम मांझी महागठबंधन का गठबंधन खोलकर नीतीश से गड़बड़ियां करने वाले हैं। और फिर आगे देखते हैं क्या होने वाला है। स्पेशल डेस्क, आईबीएन भारत। समाचार दुनिया में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।